मतलब मुझे कोई जरूरत भी नहीं पड़ती ऐसा कुछ बनाने की जब मैं ग्राउंड पे जाता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो माहौल ही दूसरा होता है इतने ज्यादा हजारों लोग होते हैं सत्तर अस्सी हजार लोग होते हैं कई बार स्टेडियम में फुल भरा हुआ होता है तो वो मतलब जो नहीं ऐसा लगता है कि दूसरी दुनिया में आ गए हैं और बिल्कुल वो अलग ही एक फीलिंग होती है और बिल्कुल जब चारों तरफ लोग बैठे हैं लोगों की एक्सपेक्टेशन है इंडिया के लोग हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारी खुद से एक्सपेक्टेशन होती है तो बिल्कुल बहुत टफ होता है उस टाइम एक पर्टिकुलर टाइम में वहाँ पे परफॉर्म करना लेकिन बिल्कुल कहीं ना कहीं प्रेम मान लो कि लोगों की इतने लोगों की प्रेम मेरे साथ है या फिर एक खुद पे बिलीव होता है तो वो चीज़ आ, सही काम कर जाता है और जब भी हम खेलने जाते हैं तो रिजल्ट अच्छा होता है तो बिल्कुल मैं ऐसे ही कहना चाहूंगा कि लोगों की प्रेर और मैं अच्छे से मेहनत करता रहूंगा और ऐसे ही

आपको सब चीजें सुनाई देती हैं या आपका जो फोकस है वो आपका यू you नो know, कि मेरा रनअप क्या है मैं कब जाके रिलीज करूं टेक्निकल पॉइंट्स क्या है नॉइज और आई यू ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर बिल्कुल लोग तालियां मारते हैं और हमको बूस्ट करते हैं वो चीज बस फील होती है हमको बस ऐसा लगता है कि बस हम एक जोन में तो होते हैं जब हम जब मैं रनवे पे खड़ा होता हूँ जब थ्रो कर रहा होता हूँ तो एक जोन में तो होता हूँ पर हाँ ये थोड़ा बहुत ये पता लगता है कि लोग बूस्ट अप कर रहे हैं तालियां बजा रहे हैं पर पूरा फोकस जो है ये मान लो कि नाइनटी परसेंट फोकस ज्यादा फोकस पूरा थ्रो पे होता है और उसी दुनिया में होते हैं हम उस टाइम पे कोई ज्यादा लोग क्या बोल रहे हैं क्या चल रहा है वो इतना सुना नहीं देता उस जोन में होते हैं कि उस टाइम पे थ्रो करना है और वही मुझे लगता है कि बेस्ट पार्ट है कोई मगर, आपने, आपने कहा था कि, you know, ट्रेनिंग मगर स्पोर्ट में यह भी है कि आप जितनी भी ट्रेनिंग कर लो आपको एकदम अगले दिन तो रिजल्ट दिखने नहीं बिल्कुल जी। तो, तो आपने, आप अपने को ये गोल जब आप सेट करते हो आर यू गिविंग इट अ टाइम लिमिट आर यू से इतने टाइम में मुझे ये आ, ये गोल करना है या कैसे करना है मतलब आप आप क्या सोचते हो सबसे पहले तो मैं मानता हूँ बहुत बड़ी चीज है स्पोर्ट्स में क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि है कि पेशेंस नहीं स्टार्ट करते हैं या पेरेंट्स भी जब बच्चों को स्टार्ट करवाते हैं तो उनको रिजल्ट चाहिए बहुत जल्दी लेकिन स्पोर्ट्स ऐसी जगह नहीं है स्पोर्ट्स आपके पांच छह साल या आठ दस साल भी ले सकता है एक अच्छा रिजल्ट दिखाने के लिए तो बिल्कुल सबसे पहली बात है पेशेंस वो मैं आ, बिल्कुल रखता हूँ और दूसरी बात है कि अब आ, एक चीज का तो टाइम होता ही है ओलंपिक्स है है मान लो ओलंपिक्स उसका टाइम सेट है कि इस इतनी डेट डेट को स्टार्ट होगा होगा खत्म हो तो उस डेट के बीच में जो भी हमको अभी से स्टार्ट करना है तो वो एक प्लान जरूर होता है बिल्कुल कोविड ने हमको सिखाया है कि हर बार प्लान काम नहीं करते हमारे हिसाब से चीजें नहीं चलती पर वही है कि हमारा काम है कि अपना काम करते रहे अपना प्रॉपर प्लान बनाए अच्छे से उस पर काम करें तो बिल्कुल जी जो हमारा जितने महीने मिलेंगे बीच में हम उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग कोच फिजियो जो टीम होती है हम साथ में बैठ के प्लान करते हैं फिर उस चीज के ऊपर काम करते हैं ऐसा नहीं है कि वो हम एक महीने में कर देंगे हमको कुछ महीने लगेंगे पाँच छः सात महीने लगते हैं कि हम स्लो प्रोसेस धीरे धीरे फिटनेस होती है फिर उसके बाद स्पेसिफिक जेवलिन ट्रेनिंग की जेवलिन ट्रेनिंग में हम जाते हैं उसके बाद फिर कंपटीशन मोड आता है कि हम कंपटीशन में जाते हैं जैसे ओलंपिक्स है तो उससे पहले हम दो तीन महीने पहले कंपटीशन स्टार्ट कर देंगे तो वो एक प्रोसेस है पूरा तो उस तरीके से काम करते हैं तो बिल्कुल जैसे कि आपने पूछा मुझे लगता है कि पेशेंस होनी चाहिए और बिल्कुल स्पोर्ट्स टाइम लेता है धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आती है और धीरे धीरे हम हमारी फिटनेस लेवल ऊपर उठती है हमारी टेक्निक इम्प्रूव होती है तब जाके रिजल्ट दिखते हैं अगर हम इंजरी से बचे रहे तो क्योंकि इंजरी भी बहुत बड़ा एक पार्ट होता है स्पोर्ट्स का कि उससे बचना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है अगर उससे बच जाए तो बिल्कुल फिर अच्छा करता है खिलाड़ी